हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स फिनेक्यूलर और फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 23 सितंबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjfinacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और sscjfinacle ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा देश नवंबर 2022 में फ्लोरिडा से राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करेगा। करेक्ट आंसर था UAE। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि आम जनता से शिकायतें प्राप्त करने के लिए किस राज्य ने CM डा हेजी वेब पोर्टल लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर था मणिपुर। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने संयुक्त रूप से कृषि अवसंरचना कोष और डैश के लिए एक अभिसरण पोर्टल लॉन्च किया। करेक्ट आंसर है दोनों ए और बी, यानी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद प्रसंस्करण उद्योग योजना का उपचारीकरण। डिटेल्स देख लो तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में कृषि भवन में कृषि अवसंरचना कोष, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद प्रसंस्करण उद्यमियों योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बीच एक अभिसरण पोर्टल यानी कन्वर्जेंस पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में कन्वर्जेंस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। पोर्टल का शुभारंभ देश के खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। करेक्ट आंसर है मिस्र यानी इजिप्ट। डिटेल्स देख लो तो भारत और मिस्र ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, सह उत्पादन और उपकरणों के रख रखाव को बढ़ाने का निर्णय लिया है। समझौता ज्ञापन पर भारत के रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह और मिस्र के जनरल मोहम्मद जकी ने काहिरा में बैठक में हस्ताक्षर किए। बात करें यहाँ पर इजिप्ट की तो इसकी कैपिटल है कायरो, करेंसी इजिप्शियन पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है 22 सितंबर। डिटेल्स देख लो तो विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को विभिन्न गैंडों की प्रजातियों और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन सभी 5 राइनो प्रजातियों अर्थात सुमात्रान, ब्लैक, ग्रेटर वनसिंग, जावन और व्हाइट राइनो प्रजातियों को भी मनाता है। इस वर्ष के लिए थीम है 5 राइनो स्पीशीज फॉरएवर। इस दिन का उद्देश्य इन जानवरों की रक्षा करने के महत्व को फैलाना है, क्योंकि कई वर्षों से चल रहे अवैध शिकार और निवास स्थान के नुकसान के कारण गैंडे गंभीर रूप से लुप्त प्राय हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत की किस स्वास्थ्य पहल को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर है भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल यानी इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। डिटेल्स देख लो तो 2022 UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड भारत को भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 21 सितंबर 2022 को न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से आयोजित समारोह में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखो। केंद्र सरकार ने किस राज्य में ब्रू समझौते के पुनर्वास की समय सीमा बढ़ा दी है। करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। डिटेल्स देख लो तो केंद्र सरकार ने ब्रू समझौते के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए ब्रू के पुनर्वास की समय सीमा बढ़ाने पर सहमति जताई है। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा के साथ ब्रू समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि पुनर्वास में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। ब्रू के पुनर्वास की आखिरी तारीख इस साल 31 अगस्त को खत्म हो गई थी। भारत सरकार, मिजोरम और त्रिपुरा की राज्य सरकारों और ब्रू प्रवासियों के बीच हस्ताक्षरित चतुर्भुज समझौते का एक हिस्सा थी।
बात करें यहाँ पर त्रिपुरा की, तो इसकी कैपिटल है अगरतला, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या, सीएम है मानिक साहा। इसके नेशनल पार्क्स में आता है क्लाउडन लेपर्ड नेशनल पार्क और राजबरी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीएसआर परियोजना कारगिल इग्नाइटेड माइंड्स को लागू करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय सेना के साथ सहयोग किया है? करेक्ट आंसर है HPCL। डिटेल्स देख लो, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कारगिल में कम विशेषाधिकार प्राप्त छात्राओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें सलाह देने के लिए एक CSR परियोजना को लागू करने के लिए भारतीय सेना के साथ सहयोग किया है। परियोजना कारगिल इग्नाइटेड माइंड्स का उद्देश्य 50 छात्राओं को विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। यह चरम मौसम की स्थिति यानी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में रहने वाले सीमित संसाधनों के साथ वंचित लड़कियों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस परियोजना के लिए छात्रों का चयन एक कठोर प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जिसमें स्क्रीनिंग, प्रारंभिक परीक्षण यानी प्रीलिमिनरी टेस्ट और साक्षात्कार यानी इंटरव्यूज शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य सरकार का नीति आयोग की तर्ज पर एक संगठन बनाने का इरादा है? करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। डिटेल्स देख लो, तो महाराष्ट्र सरकार का इरादा नीति आयोग की तर्ज पर एक संगठन बनाने का है। संगठन पूरी तरह से डेटा विश्लेषण करने और विभिन्न राज्य क्षेत्रों के बारे में सूचित विकल्पों पर आने का प्रभारी होगा। बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है अजंता लोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेंबल्स मुंबई। नेशनल पार्क में आता है संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगेमल नेशनल पार्क, टडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, सीएम है एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किस भारतीय को 2022 प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है राधिका बत्रा। डिटेल्स देख लो, तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अपने वार्षिक गोल कीपर्स अभियान के हिस्से के रूप में 2022 गोल कीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड्स के साथ चार चेंज मेकर्स को सम्मानित किया। यह पुरस्कार उनके समुदायों और दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को आगे बढ़ाने के उनके प्रयासों को मान्यता देता है। अवार्ड विनर्स है वैश्विक गोल कीपर पुरस्कार उर्सुला वॉन डेर लेडेन जर्मनी, 2022 अभियान पुरस्कार वेनेसा नकाटे युगांडा, 2022 चेंज मेकर अवार्ड जहरा जोया अफगानिस्तान, 2022 प्रोग्रेस अवार्ड डॉक्टर राधिका बत्रा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देश की 32 साल की सेवा के बाद किस भारतीय नौसेना के जहाज को सेवा से मुक्त कर दिया गया? करेक्ट आंसर है INS अजय। डिटेल्स देख लो, तो भारतीय नौसेना के जहाज अजय P-34 को 32 वर्षों के देश की शानदार और विशिष्ट सेवाओं के बाद सेवा मुक्त यानी डीकमीशन कर दिया गया। INS अजय पश्चिमी नौसेना कमान का एक अभय वर्ग का पनडुब्बी रोधी युद्धपोत था। जहाज को 24 जनवरी 1990 को तत्कालीन USSR के पोटी बंदरगाह जॉर्जिया में चालू किया गया था। यह पोत अपनी सेवा अवधि के दौरान फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र के अधीन 23वें पेट्रोल वेसल स्क्वाड्रन का हिस्सा था। शानदार सेवा के 32 वर्षों में जहाज को 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन तलवार और 2001 में ऑपरेशन पराक्रम सहित विभिन्न महत्वपूर्ण तैनाती पर तैनात किया गया था। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए, PM केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी यानी केटी थॉमस, करिया मुंडा और रतन टाटा। डिटेल्स देख लो, तो केंद्र सरकार ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज केटी थॉमस और पूर्व उप लोकसभा अध्यक्ष करिया मुंडा को PM केयर्स फंड प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया। मंगलवार को न्यासियों की एक बैठक हुई जिसमें नव नियुक्त सदस्य और अन्य न्यासी केंद्र गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना
और प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम के साथ मिलकर एक कन्वर्जेंस पोर्टल लॉन्च किया। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को एनहांस करने के लिए इंडिया ने इजिप्ट के साथ एमओयू साइन किया। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को मनाया जाता है। इंडिया के एक हेल्थ इनिशिएटिव इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव को यूएन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने त्रिपुरा में ब्रू एग्रीमेंट के रीसेटलमेंट को एक्सटेंड कर दिया है। सीएसआर प्रोजेक्ट कारगिल इग्नाइटेड माइंड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडियन आर्मी ने एचपीसीएल के साथ कोलैबोरेट किया है। नीति आयोग की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का इरादा किया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा 2022 प्रोग्रेस अवार्ड से राधिका बत्रा को सम्मानित किया गया। 32 साल की सर्विसेज के बाद इंडियन नेवल शिप अजय को डी कमीशन किया गया और पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टीज बने हैं केटी थॉमस, करिया मुंडा और रतन टाटा। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार जंगली आर्कटिक भेड़ियों का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, ऑस्कर 2023 में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस भारतीय फिल्म ने प्रवेश किया है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं, इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।